सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे मॉल है वी मार्ट, और इस वक्त मैं हूँ अपने जन्म प्लेस, और ये है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पड़ता है। और प्रैंक ब्लॉग लड़कियों के साथ जो मैं बना रहा हूँ गर्ल्स के साथ, वो अभी नहीं आएगा क्योंकि मैं बिज़ी हूँ किसी और काम में। सो अभी मैं नॉर्मल ब्लॉग में बना रहा हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे मोतिहारी का, जो कि काफ़ी बदला हुआ है कुछ सालों में। और आज मैंने ये नई टी शर्ट ली है, देखो कैसा लग रहा है। इसी मॉल से लिया है मैंने, वीवान से। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और ये हमारा भाई है, हाय गाइस। सो ये हमारा काला कलर का है, सो हम लोग इसी के साथ घूमेंगे वी मार्ट। तो गाइस अब मैं चल रहा हूँ ब्लॉग शूट करने, बाइक तो आया नहीं, पीछे जो है ना रिक्शा, ये रिक्शा हवा भाई, इसे हम शूट करेंगे, ठीक है। और हम मैं आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो लेट्स डू इट। ये हमारे भाई लोग हैं, सारे के सारे फ्यूचर स्टार हैं, और इन लोग के साथ हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने। बाइक की हवा हो जा, वर्थ प्लेस कितना खूबसूरत है भाई, इधर से मुड़ लेते ना मीना बाजार होके, तो चलो स्टेशन होके चलते हैं। तो अब आगे है थिएटर, मूवी थिएटर, सिंगल वाले सिंगल और मिंगल वाले सिंगल आइटम लोग इधर ही हम लोग लाते थे पहले, इनके पास था, हमारे पास तो था ही नहीं, अभी भी नहीं है। ये नया खुला है, आप देख सकते हो अदर मूवी यहाँ अभी लगी हुई है, इसको पहले हम लोग माधो हॉल बोलते थे, लेकिन अब इसका चेंज हो गया है। अब जा रहे हैं हम लोग स्टेशन, देख सकते हो रोड पूरा, ये रिक्शे का मजा लेते हुए मेरा भांजा है भाई, ये पूरा दो मिनट के लिए मैं अंदर से आ रहा हूँ घुमा। तो ये हम आ चुके हैं मोतिहारी, और यहाँ पे रिक्शा रुक गया, मैं जा रहा हूँ अंदर। ये हमारा मोतिहारी है, देख लो क्राउड काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा है रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो वहाँ पे भी है, ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है, बाबूधाम मोतिहारी, आप देख सकते हो ये बाबूधाम मोतिहारी लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग जाते हैं हमेशा। तो अब इधर का हो गया, अब हम चलते हैं कुछ और कुछ चीज़ें यहाँ के मोतिहारी के हिस्टोरिकल चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। चलो भाई, चलो चलो, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए भाई, ब्लॉग शूट हो रहा है यार। ये देखिए, ये आपको पूरा पूरा ना ये जाम मिलेगा, पूरा फुल मजा लीजिए गर्मी का, ठीक है। जब भी आइए जल्दी में, आपको मूवी देखना हो, लड़की को डेट करना हो, गर्लफ्रेंड को टाइम दे दिए हो, आप ऐसे ही जाम में फंस सकते। आइए फोकस कीजिए, एक फोकस कर रहा हूँ मैं, ऑटो वाला भाई हंस रहे हैं। और ये हमारा मोतिहारी का सबसे प्यारा खूबसूरत जगह जो अटैच है, हम यहाँ से इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बना दिया। एक गांधी म्यूजियम है, जिसको अंग्रेजी में गांधी म्यूजियम बोलते हैं, और भोजपुरी में गांधी संग्रहालय खुली हुई है। थोड़ा सा हम एक झलक दिखाते हैं आपको, नहीं मिलता है, पहले टिकट लगता था, आप देख सकते हो गांधी स्मारक, और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। हम लोग बचपन में आते थे, नहीं भाई हम यहीं से चले जाएंगे, नहीं, नहीं, अरे एक सेकंड, यहीं से चले जाएंगे, यही दिखाना है, ये पूरा गांधी संग्रहालय है, और हम लोग बचपन में आते थे, पढ़ाई करके चले गए, अब गांव छोड़ दिए तो अब नहीं आते हैं। तो यही है, काफ़ी खूबसूरत पार्क है। सर गुस्सा हो रहे हैं, अरे सर दो मिनट का काम था, हम लोग इधर ही से हैं। तो थैंक यू सो मच, अब और कुछ चीज़। सो इधर का हो गया, इसे आप देख सकते हो आपको, एक्चुअली ये नए कपल जो होते हैं ना डेट करने के लिए ये पार्क है, और मोस्टली लोग जाते हैं। देखो अभी एक परी पापा के परी जा रही है। सो ये एक्चुअली सुकून है इस रिक्शे में, आई थिंक फ्लाइट में भी नहीं है। सो अच्छा लगता है जब भी गांव आने का चांस मिलता है, मौका मिलता है, मैं आता हूँ। तो अभी ये सबसे बेस्ट होटल मोतिहारी का, काफ़ी अच्छा अनुभव रेस्टोरेंट है, और ये मेगा मार्ट, एक मेगा मार्ट है, आप तिहारी में 8-10 मॉल है, काफ़ी अच्छा है, जो भी ये भी एक है उनमें से। और मैं इसके जस्ट अपोजिट पीछे वो मैत्री नगर है, आप में रह सकता। अब हम आ गए मोतिहारी की धड़कन, शान, और क्या बोलते हैं इसको, मनपुल। तो ये है मोती झील, आप देख सकते हो खूबसूरत। एक सेकंड रुकिए, हाँ ले रहे हैं ना, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये मोती झील है,
मोती झील आप बोल सकते हो, मनपुल बोल सकते हो, इसको मनपुल बोलते हैं। देख रहे हो आप, इसके किनारे किनारे शहर बसा हुआ है, ये पूरा सिटी है। ये हम लोग उधर से आए थे, ऐसे आए स्टेशन है। फिर इस पार भी है बाजार, छोटा होटल। आज का ब्लॉग पूरा जो है शूट हुआ है इस हवा हवाई पे। ये हमारा भाई साहब है और ये सब भाई लोग हैं। तो ये है मोतिहारी का मनपुल, आप देख सकते हो हमारा पीछे। पूरा मुंबई वाला फीलिंग आता है यहाँ पे। अगर साथ में लड़की हो तो और अच्छा है, और नहीं है तो फिर अकेले आप आइए, देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे मोस्टली हम लोग आते थे, इसमें फिशिंग होता है, मछली वगैरह होता है, रहता है। और कुछ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बनाऊँ। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत सा मनपुल, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हमारा हवा हवाई वहाँ पे रुका हुआ है और बच्चे सब पढ़ के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना एक रील बनाऊँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे एक रील बना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा भाई लोग हैं और मैं रील यहाँ पे शूट करने वाला हूँ अभी तक, क्योंकि अच्छा लगा मेरे को लोकेशन। तो अच्छा लग रहा है अपनी इज्जत को नीलाम करते हुए मार्केट में। तो ये मेरा भांजा है और बॉडी में दिखा रहा हूँ, बॉडी कम हो गया है, बट अच्छा लग रहा है। एंड पीछे आप देख सकते हो साइकिल वाले भाई देख रहे हैं बॉडी हमारी, और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये भाई लोग हमारे पीछे, और सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे भी फॉलो करो मेरे को। थैंक यू।